कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन ट्रकिंग ब्लॉग्स पर। तो आज का भाई ब्लॉग भी कह सकते हो और ट्रक का रिव्यू भी कह सकते हो। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, भाई बताओ आप ट्रक पे सामान कहाँ पे एडजस्ट करते हो, खुद कैसे रहते हो। तो मैंने सोचा भाई शॉर्ट शॉर्ट बता देते, क्योंकि ये गाड़ी हम भाई आपको पता है सिर्फ कुछ दिनों के लिए चला रहे हैं, तो हमने अपने हिसाब से सामान यहाँ पर नहीं लगाया। जो भाई पहले चलते थे उन्होंने अपने हिसाब से सामान लगा के रखा हुआ है, तो हमको आपको बताते हैं कि सामान उन्होंने कैसे कैसे लगा के रखा है। भाई पहले तो यहाँ पे आ गया हमारी मेन चीज चार्जर, जो चार्जर बोर्ड है 12 वोल्ट को 24 करता है। यहाँ पे इसके आगे ना दोनों चार्जर लग जाते हैं भाई, तो मतलब कन्वर्टर हो गया ना भैया, कन्वर्टर आ गया भाई। ये सबसे ज़रूरी हमारे लिए, क्योंकि हमको वीडियो बनानी होती है, सबसे हमें ज़रूरी चार्जर ही चाहिए होता है। तो भाई कुछ आगे से ऐसी ही गाड़ी है, बट यहाँ पे मंदिर होता है ज़्यादा है मेन। ये तो हमने खुद से लगाया हुआ है, क्योंकि हम अगरबत्ती करते हैं गाड़ी पे। तो बाकी ये स्पीकर यहाँ पे होते हैं फिट, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हुई है ना, तो ये नहीं, जो न्यू गाड़ी आएगी उसका ये डैक होगा ना भाई, वो भी कहीं यहाँ पे उसके अलग से जगह होगी रखने की, और जो स्पीकर यहाँ पे होंगे तो इसलिए यहाँ पे इसके हैं। तो यहाँ पे अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए, जैसे चिप्स नमकीन वगैरह पड़ी हैं, और यहाँ पे आगे बाइक के हेडफोन पड़े हैं, और डॉक्यूमेंट वगैरह गाड़ी के जो बिल्टी वगैरह ये आ गया। यहाँ पे गिलास पड़े हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे रुके हुए ना, तो गंद सारा यहाँ पे पड़ा है। चीनी और नींबू लाए थे भाई, नींबू पानी बनाने के लिए। ये कैंपर यहाँ पे हम रख देते हैं बॉटल्स, क्योंकि यहाँ पे ना सीट का क्या हमें स्पेस बचा होता है। बॉटल्स आए थे हमारी पानी की पूरी भाई। हल्दी मिर्ची नमक भाई हमने इसके अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे सभी अपना हल्दी मिर्ची नमक, कपड़े धोने के लिए वो साबुन वगैरह सब आया था। उसके बाद और सामान भाई से दाल वगैरह इसके अंदर आए थे हमारी, इसमें हमारा सरसों का तेल, दालें, नमक, जो भी रिजर्व सामान होता है रखते हैं हम भाई। उसके साथ यहाँ पे भी एक छोटा सा है, मतलब यहाँ पे भी सामान रखने, यहाँ पे भाई गाड़ी के डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, क्योंकि ये लॉक हो जाता है भाई। तो यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे भाई अपने कपड़े, ये बैग और कुछ भाई के पुराने कपड़े बचे हुए जो गाड़ी चलाते थे, कपड़े वगैरह यहाँ पे रख लेते हैं। तो पीछे भाई अपने कपड़े हमने ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइप दी होती है ना, तो जब कपड़े धोते हैं सुखाने के लिए डालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना कम्बल, ये भाई का बैग, और पीछे भाई आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये तो फैन आ गया, और भाई ये आ गया यहाँ पे अपने बर्तन, और वो आ गया इसमें चावल वगैरह डाले और सब्जी वगैरह यहाँ पे रख देते हैं हम सभी। चलते हैं गाड़ी के बाहर भाई, अंदर तो यही हो गया। उसके बाद भाई ये जो सीट है इसके नीचे जगह होती है, इसके नीचे हमारे कुछ सामान होते हैं, जो ये बैक सीट होती है इनके नीचे भी जगह होती है। इसके नीचे आप गाड़ी का टूल या कुछ भी डाल सकते हो। ये आगे गाड़ी की राड भाई, वो खोलने के लिए टायर वगैरह हेल्प करवाती है। तो भाई उसके साथ जो और छोटा छोटा गाड़ी की व्हील पाना वगैरह यहाँ पे रखे होते हैं हमने भाई। गाड़ी कुछ ऐसी अपनी, क्योंकि भाई सॉरी शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ सिर्फ आपको भाई। यह आ गया भाई, ये अपनी तरपाल रस्सा किया हुआ है, वही ऊपर से बताऊँगा कि हम अपने रस्से तरपाल को बाद में कहाँ पे रखते हैं। यह आ गया भाई टैंक तेल डीजल के लिए, बताइए ये है 400 लीटर इस गाड़ी का टैंक। तो ये लिफ्ट वाले टायर आ गए भाई, जो टायर ना हम उठा सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। जब लोड गाड़ी होती है हम इसको डाउन करते हैं, जब खाली गाड़ी होती है हम उसको उठा लेते हैं भाई। तो भाई इस गाड़ी में ना कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पावर किस टायर पे है। तो भाई पावर सिर्फ जो लिफ्ट के पीछे वाले टायर होते हैं भाई, इन पर सिर्फ पावर होती है, बाकी सब डमी एक्सल होते हैं। सही मेन काम यही करते हैं घूमने का। तो भाई यहाँ पर आती है गाड़ी की स्टेपनी, एक्स्ट्रा टायर में रखा होता साथ में यहाँ पीछे, वो यहाँ भाई नीचे से होकर खुलता है, बड़ा टफ होता है खोलना, जिस दिन खोलेंगे आपको उसका भी बताएंगे। तो भाई ये आ गया अपना फटा बॉक्स, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी के फटे डाल देते हैं जब गाड़ी खाली हो जाती है। ये आ गई फिर से भाई लिफ्ट वाले टायर, और भाई ये आ गई एयर टंकी, प्रेशर की टंकी। और भाई यहाँ पे होती है कई गाड़ियों की बैटरी, ऑलमोस्ट यहीं होती है गाड़ियों की बैटरी, पर हमारी इस गाड़ी की बैटरी भाई अंदर लगी है अपनी सीट्स के नीचे। तो ये आ गया भाई एक अपना फिल्टर, एयर फिल्टर, जिसको हमको 2-3 फेर को खोलना पड़ता है और इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है भाई। तरपाल मैंने पूरा किया हुआ है। तो भाई यहाँ पे आया था हमारा बड़ा तरपाल, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो भाई ये टूल आ गया, इस टूल के अंदर भाई अपना रस्सा तरपाल सब छोटा आया था, सारा सामान अपना, काफ़ी स्पेस होता है ऊपर भी जगह सामान रखने का भाई। गाड़ी के अंदर ये गाड़ी का मीटर भाई, ये आ गया गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है आपकी, 50 की 60 की। ये आ गया भाई अपना RPM मीटर, ये आ गया भाई अपना डीजल मीटर। तो भाई ये टेम्परेचर, ये दो आ गए भाई अपने प्रेशर, कि गाड़ी में कितना प्रेशर। अगर भाई ये काम हो जाए ना, उसके बाद ना गाड़ी पे गियर लगेंगे, ना गाड़ी पे क्लच प्रेस होगा, और गाड़ी बिल्कुल जाम हो जाएगी अगर ये चार पे आ जाता है तो। यही चार्जर अभी भी चार्जर ऑन है, तो भाई ये गियर, भाई ये गियर पे लिखा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं दूसरी गाड़ी का लगाया जाए क्या सीन है, पर इसके 8 गियर भाई आगे जाने के लिए, ये गियर है इसका रिवर्स आने के लिए, टोटल गाड़ी पे गियर है 9। भाई देखो आप गाड़ी का अंदर से ऐसा कैबिन है, पूरा भाई बेड टाइप ही होता है। अभी जो मैं कपड़े पर छत से ले आया, तो ये भाई बैठे हैं, मतलब 3 पर्सन में भाई आराम से सो जाते हैं। बट भाई सर्दियों में 3 आराम से आ जाते हैं, भाई गर्मियाँ हो ना, गर्मी में 2 पर्सन ही, क्योंकि यार फिर पसीना होता है। तो यहाँ पे सोते हैं भाई, तो यहाँ पे मैं,
तो भाई आराम से उसके बाद भी यहाँ पे सो के इसके बाद एक पर्सन के आराम से जगह बच जाती है। तो एक फैन है दो आदमियों के लिए, बड़ा बहुत ही बेस्ट मतलब। तो खिड़कियाँ सभी जाली लगी होती हैं, देखो शीशे डाउन किए हुए ना, जाली हैं, तो मच्छर अंदर नहीं आएंगे और हवा आपको अच्छी आती रहेगी, हवा क्रॉसिंग होती रहेगी। भाई मैं आशा करूँगा आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई शॉर्ट वीडियो थी ये। तो एक मैसेज था भाई आपके लिए, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ट्रक का रिव्यू बताओ। तो भाई जैसे ही हमारा न्यू ट्रक आता है तो हम उसका फुल रिव्यू एक बार फिर से करवाएंगे, क्योंकि उसमें सारा सामान हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। चाहे वीडियो में 10-15 दिन लेट बनाऊंगा तब तक हमारा सामान सारा उसमें एडजस्ट होता, तो भाई जब सामान सारा एडजस्ट होगा तब वो बताएंगे, क्योंकि ये तो बाइक की गाड़ी है ना, तो वो चला रहे हैं, उनके हिसाब से सामान एडजस्ट है, तो मैंने बता दिया भाई ऐसे ऐसे है। तो भाई जब आपने नहीं आती तो उसका जरूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इस अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो बाकी तो आपको डेली लाइव ब्लॉग मिलते ही रहेंगे भाई जी।